नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, हाथवे केबल पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। ये हाथवे केबल के जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस पर आज हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाथवे केबल है वो हम जानते हैं एक मल्टी वैगर स्टॉक है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा मेरा स्टॉक है, इसीलिए मैं हाथवे केबल के ऊपर ज़रूर बोलता हूँ। तो जैसे ही मेरे नंबर हाथ में लगे और मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी, तो यहाँ पर जो है वो जियो ने जो है वो पूरा का पूरा जो है गेम चेंज करके रख दिया है। पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। जब हम कह रहे थे जियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है इस मामले में, और भारतीय एयरटेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर पूरा एक कहें कि दो महीने के अंदर अंदर या यू कहें कि जो कुछ क्वार्टर्स हैं उनमें ही 4 या 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ चेंज हो गया है। एक झटके में सब कुछ चेंज हो गया है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो टीवी नेटवर्क का ज़माना है वह जा चुका है। अब जो है उसमें इंटरनेट भी चाहिए बॉक्स में, उसमें टेलीफोन भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। जैसा कि सेम जो है वो AT&T ने स्टार्ट किया था एक वक्त अमेरिका में, वैसा ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन AT&T की अलग बात है, उससे आप कंपेयर करके मत देखिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली जब जियो के नंबर सारे के सारे नीचे जा रहे थे, यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा गेम पलट दिया। अब कैसे पलटा कुछ नहीं पता है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही थी कंपनी कुछ नहीं पता थी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये नंबर जो अगर टीवी पर दिखा दिए गए तो हाथवे केबल और डेन नेटवर्क्स जो है वो जो हाथवे केबल और डेन नेटवर्क जो शेयर है वो यहाँ से बूम मारने वाला है। शेयर प्राइस जो है वो कभी भी बूम मार सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हाथवे केबल और डेन नेटवर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर है जो कि किसी के सामने नहीं आई। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है बेफिक्र इसमें करिए, अब ये टाइम लगता है आ चुका है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। तो ये हाथवे केबल का चार्ट है, डेन नेटवर्क का हम बाद में बात करें, ठीक है। डेन नेटवर्क और हाथवे केबल का पूरा मैटर यही है, बस मैं यहाँ पर डेन नेटवर्क का यहाँ पर चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, हमारे फोकस जो है वो हाथवे केबल पर रहेगा, लेकिन डेन नेटवर्क वालों को भी ये खबर जानना ज़रूरी है। तो ये जो शेयर है वो आपके सामने एयरटेल, भारतीय एयरटेल का जो शेयर प्राइस है वो रखा हुआ है। और भारतीय एयरटेल का मैं, आप कहें कि ये भारतीय एयरटेल का क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाना ज़रूरी है। 10 मई का वो दिन है और 577 का जो लेवल है एक महीने का हाई है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना और 530 के लेवल्स के नीचे भी आ चुका है ये शेयर्स। और ये आपके सामने देखिए किस रेट पर चल रहा है, 528 रुपये पर अब ये शेयर चल रहा है। आपके सामने रिलायंस का जो शेयर प्राइस है उसे देखिए। ये कौन सा दिन है, 12 मई का दिन है, 12 मई 2021 का दिन है। इस दिन जियो गिरा था, और क्यों गिरा था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वो 10 मई का दिन था, भारतीय एयरटेल भी गिरा था, लेकिन मैंने उसे चार्ट में जो है वो मैं गलती से दिखा नहीं पाया, मेरे हाथ से छूट गया। लेकिन 12 मई को ये दोनों शेयर गिरे थे, क्यों, इस 8 रुपये के शेयर के लिए। ये है वोडाफोन का प्राइस, यानी ये है वोडाफोन का शेयर प्राइस। और ये आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, 12 मई को इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनाई थी वोडाफोन आइडिया ने। एक्चुअली आए थे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के जो है वो आंकड़े आए थे, और यहाँ पर पहली बार जियो तो देखिए जियो ने गेन किया था, एयरटेल ने जियो से ज़्यादा गेन किया था, लेकिन यहाँ पर गिरे क्यों ये दोनों शेयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो वोडाफोन की नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हर महीने जो है वो छूट रहे थे, वोडाफोन को छोड़ रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या है, इस वक्त पहली बार वोडाफोन ने 6 लाख कस्टमर्स जो है वो जोड़े हैं, पहली बार गंवाने की जगह जोड़े हैं, जिस वजह से ये दोनों कंपनियां गिर गईं, जियो और भारतीय एयरटेल जो है वो दोनों कंपनियां गिर गईं, और वोडाफोन का जो शेयर प्राइस है वो 13% से 14% ऊपर गया था उस दिन। तो ध्यान रखिएगा, अब आप कहेंगे इससे कोई लेना देना नहीं, इससे हाँ लेना देना है, चलिए आप बात करते हैं। और ये हमारा प्यारा सा शेयर हाथवे केबल, सॉरी मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ, गलती से नाम नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, प्राइस देख के आपको समझ में आ गया होगा।
ये 9 फरवरी से 9 फरवरी 2021 से लेकर आज का दिन यानी आज 20 मई का दिन है, 20 मई के दिन तक का चार्ट आपके सामने। और इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया था जो कि आपको एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन के एकदम सेंटर जो पॉइंट है वहाँ पर दिख रहा होगा, वो एक लौती कैंडल है, बड़ी कैंडल बनी थी, 34.80 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद गिरना स्टार्ट। उसके बाद आप जानते हैं कि 23-20 रुपये की जो लेवल्स हैं वहाँ तक आ गया था। और मैंने इसका कारण बताया कि हाथवे केबल क्यों नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। उसकी एक वजह है जियो टीवी का ना चलना, जियो टीवी की अनसक्सेसफुल जो है वो एक इसका एक एक कहें तो एक कंडीशन बन के रह गई थी, एक एक्सीडेंट बन के रह गया था इस शेयर के ऊपर। आप जानते हैं हाथवे केबल जो है वो एक लौती कंपनी है जिसने इंटरनेट जो है वो स्टार्ट किया था भारत के अंदर इंटरनेट टीवी जो है स्टार्ट करने वाली, और इन्हीं ने पहला ऐप जो है वो लॉन्च किया था इंटरनेट के जो बिल्स हैं उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा हाथवे केबल का। अब बात करते हैं हम लोग, तो अब ये 23 रुपये के लेवल्स पे चल रहा है और अब ये अट्रैक्टिव हो चुका है। अब जानते हैं आगे का। अब एयरटेल का जो एक्स स्ट्रीम है वो तो भाई गेन कर ही रहा था, हमारी आपसे बात हुई थी कि एयरटेल का जो एक्स स्ट्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी चल रहा है। हम देख रहे हैं मेरे शहर में, मेरे छोटे सा शहर है और वहाँ पर जो है एयरटेल ने इस तरीके से वायर बिछा रखा है अपने इंटरनेट टीवी के लिए, इतना वायर बिछा रखा है कि देख कितनी तेज़ी से जो प्रोग्रेस है वो एयरटेल कर रहा था, साफ साफ दिख रहा था। जियो नहीं कर रहा था, लेकिन जियो के हाथ में एक पावर थी, हाथवे केबल और डेन नेटवर्क, तो ये पावर कोई छोटी मोटी नहीं थी, इनका नेटवर्क पहले से बिछा हुआ था, एयरटेल को घर घर जाना था, ये घर घर में पहले से ही थे, ध्यान रखिएगा। अब जियो टीवी लॉन्च हुई, जियो टीवी के बाद हम जानते 20 रुपये से 18 रुपये से हाथवे केबल डायरेक्ट 40 रुपये का जो है वो लेवल उसने तुरंत दिखा दिया, जिसमें मैं जानता हूँ मेरे पास भी शेयर थे, तो 40 रुपये का लेवल एजीएम के दिन दिखा दिया था, एजीएम के एक दिन बाद जब मार्केट खुला तो इसने सर्किट मार दिया 20% का। तो दोस्तों हाथवे केबल में तेज़ी दिखी थी और हमें लगता था कि ये जो शेयर है मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हो नहीं पाया, लेकिन अब वो लगता है वक्त आ चुका है। और जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जियो टीवी की जो अनसक्सेसफुलनेस है वो शायद ख़त्म होने वाली है, अब कैसे ये रहे आपके सामने आंकड़े। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, अब तक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बात हुई है लेकिन वो कॉन्फिडेंस वाली बात थी, अब असली में कॉन्फिडेंस जो है वो भरने वाला है आपका। तो आफ्टर मंथ्स रिलायंस जियो की जो ग्रोथ है वो ट्रम्पलिंग कर रही थी और भारतीय एयरटेल की ट्रम्पलिंग कर रही है, और भारतीय एयरटेल जो है वो मोमेंटम को जो है वो लूज़ कर रहा है। अब कैसे, नवंबर 2020 का दिन है, महीना है दिसंबर 2020 का महीना है, जनवरी 2021 का महीना है, फरवरी 2021 का महीना है, मार्च 2021 का महीना, अप्रैल का नहीं आया, मई का नहीं आया अभी, ध्यान रखिएगा। अब ये आंकड़े आए, आंकड़े कैसे, नेट वायरलेस सब्सक्राइबर यानी जो टीवी वाला है ना, नेट इंटरनेट वाला जो टीवी हर घर में लगाने की बात करें, एक्स स्ट्रीम और जियो टीवी, तो पहले ये पीला वाला भारतीय एयरटेल है और ये जो है रिलायंस जियो वो है ग्रे कलर से, तो इन मिलियंस है। तो यहाँ पर कैसे 44 लाख जो है भारतीय एयरटेल ने अपने ऐड करे थे, सॉरी मेरे ख्याल से हाँ 4.4 जो मिलियंस हैं वो यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने ऐड करे थे अपने सब्सक्राइबर, जबकि जियो ने सिर्फ ऐड कर पाए थे 1.9 मिलियन, यानी 19 लाख के आसपास। यहाँ पर 44 लाख भारतीय एयरटेल ने नवंबर 2020 ने जोड़े और 19 लाख के आसपास जियो ने जोड़े, और दिसंबर 2020 में जियो एकदम बेकार हो गई, सिर्फ 5 लाख के आसपास जो है वो कस्टमर इन्होंने जोड़े, लेकिन भारतीय एयरटेल ने जो है वो लगभग 41 लाख जो है वो कस्टमर यहाँ पर जोड़े। अब 41 लाख और 5 लाख में कितना अंतर है आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा। फिर जनवरी 2021 में और भी ज़्यादा ऐड करिए भाई, 5.9 यानी 49 लाख जो है कस्टमर इन्होंने जोड़े, लेकिन जियो सिर्फ जो है वो सिर्फ 20 लाख ऐड कर पाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जियो का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बड़ा, आप कहेंगे रिलायंस भारतीय एयरटेल का जो है वो भी बड़ा, लेकिन भारतीय एयरटेल ऑलरेडी जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन जियो का जो चार्ट है ग्राफ है वो नीचे जा रहा था। ठीक है, मोमेंटम तेज हुआ, फरवरी 2021 में पूरा का पूरा जो गेम है वो चेंज होने लगा। भारतीय एयरटेल ने सिर्फ और सिर्फ जो है 37 लाख जो है वो कस्टमर जोड़ पाए
और जियो ने 43 लाख कस्टमर जोड़े, और मार्च 2021 की जो नई रिपोर्ट है उस हिसाब से जो है वो एकदम गेम चेंज हो गया। एकदम गेम जो चेंज हो चुका है वो क्या है कि मार्च 2021 में भारतीय एयरटेल ने सिर्फ जोड़े 38 लाख जो है वो कस्टमर्स जोड़े, और भारतीय जो जियो ने वो 86 लाख जो है वो कस्टमर जोड़े। तो आप देख रहे हैं 86 लाख तक जो है वो इनका आंकड़ा पहुंच गया है। अब नीचे जो लिख के आ रहे Q4 नंबर रिपोर्टेड बाई एयरटेल एंड जियो एडजस्टेड फॉर ट्राई मंथली नंबर्स अंटिल फरवरी जियो नंबर्स एडजस्टेड फॉर 180,000 वायरलेस वायर्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बीइंग एडेड मंथली, हर महीने जो है वो ये ऐड कर रहे हैं। तो देखिए किस हिसाब से जो है वो जियो ने जो है फरवरी के बाद जो है वो गेम चेंज कर दिया, एकदम पूरी तरह से जो गेम है वो चेंज करके रख दिया है। अब यहाँ पर जो है मोमेंटम पकड़ सकता है हमारा हाथवे केबल। तो ध्यान रखिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जियो टीवी जो है वो सब्सक्राइबर ऐड करने लगी है। यहाँ पर भारतीय एयरटेल के लिए थोड़ी गलत बात है, थोड़ी ख़राब बात है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, बिग पॉजिटिव है हाथवे और डेन नेटवर्क के लिए, क्योंकि हाथवे और डेन नेटवर्क का आगे चलकर ध्यान रखिए ये दोनों कंपनियों का मर्जर होना है आगे चलकर, और ये कोई भी वो नहीं होगा कि जियो टीवी आने वाली है। जहाँ तक पॉसिबल 100% के आसपास इसमें रिलायंस में जो डीमर्जर हो सकता है आगे चल के, या ऐसी कुछ कहानी बन सकती है, या फिर इन दोनों को मर्जर कर इसका नाम ही जियो टीवी रखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके हाथ में, और जियो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इस कंपनी में होल्ड करता है जियो टीवी वाला। तो ध्यान रखिएगा वो इसका ये कंपनी जो रिलायंस ग्रुप है वो इस कंपनी को डेन नेटवर्क और हाथवे केबल्स को मर्जर करके इसका नाम जो है वो चेंज कर देंगे जियो टीवी, ऐसा कुछ हो सकता है आगे इन फ्यूचर। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ की बात है, और यहाँ पर जो है मोमेंटम तेज होने लगा है, और यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाथवे केबल और डेन नेटवर्क्स में, तो कोई भी बिल्कुल भी बुराई की बात नहीं है, आप बेधड़क इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी ख़राब बात नहीं है। हाथवे का इतना बड़ा नेटवर्क ही आप सोच नहीं सकते, हाई स्पीड इंटरनेट कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, और डेन नेटवर्क्स हर घर में टीवी हर घर में कुछ दिनों पहले यही लगे थे जब ये टाटा स्काई या कुछ भी आए थे, तो डेन नेटवर्क का भी जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखिए इसका फ़ायदा जो है वो जियो को अब मिलना स्टार्ट हो गया, यानी जियो टीवी को मिलना स्टार्ट हो गया है। अब आपके सामने जो है वो हाथवे का ऑल टाइम का चार्ट लगाया है आपके सामने, और इसने ऑल टाइम जो हाई है एक साल का 25 फरवरी 2010 से लेकर अब तक का देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ का लाया, सन 2014 की बात है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अंडर परफॉर्मेंस है वो चल रहा है, और स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो हम बात करेंगे, कौन सा ये शेयर लेना चाहिए, डेन नेटवर्क आपको लेना चाहिए या हाथवे लेनी चाहिए, तो मोमेंटम स्टार्ट होने से पहले ये शेयर को खरीद लीजिएगा अगर हो सके तो, और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अब ये डेन नेटवर्क का चार्ट 239 रुपीज़ का हाई है, सेप्टेम्बर 2010 में इसने अपना हाई लगाया था, जो कि ये लिस्ट हुई थी 24 नवंबर 2009 को। तो यहाँ पर ये लिस्ट होने के बाद इसने हाई लगाया 239 रुपीज़ का, और एकदम गिरा, फिर 50 रुपये, फिर ऊपर गया 200 रुपये के आसपास, फिर मारा, फिर नीचे नीचे नीचे, और अब आ चुका है 44 के लेवल्स पर। अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसे समझना, और यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा जो शेयर है वो लेना चाहिए। तो हाथवे केबल का जो मार्केट कैप है वो 4106 करोड़ रुपीज़ का है, यानी 4106 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। डेन नेटवर्क का 2085 करोड़ रुपए का जो है वो मार्केट कैप है। तो आधा डेन नेटवर्क के पास आधा मार्केट कैप है, हाथवे केबल का अगर देखा जाए तो आधा मार्केट कैप है डेन नेटवर्क का। अर्निंग पर शेयर 4.5 के आसपास है, तो डेन नेटवर्क की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाथवे से, लेकिन पी रेशियो में भी जो है वो डेन नेटवर्क आगे है हाथवे से। और जो अगर हम बात करेंगे फेस वैल्यू आगे चल के स्प्लिट हो सकता है, तो स्प्लिट में जो है स्प्लिट जो होगा 1:10 जो हो सकता है वो डेन नेटवर्क में, हाथवे में सिर्फ 1:2 मतलब एक शेयर के दो शेयर हो सकते हैं।
लेकिन प्रेफर कहाँ किया जाएगा? देखिए, जो भी आपको प्ले करना है, जैसे भी आपको प्ले करना है, आप करिए। आपके पास डेन नेटवर्क है, आप रखे रहिए डेन नेटवर्क। आपके पास हाथ में केबल है, आप रखे रहिए। 100% इन दोनों कंपनियों का जो है वो मर्जर तो होना ही है, तो तय है ये मर्जर, क्योंकि दोनों कंपनियों का काम ही एक है, एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का अलग होने की कोई बात ही नहीं होती, तो अलग क्यों रहे जब एक ही काम है दोनों का। तो इसका जो मर्जर है वो आगे चलकर हो सकता है। तो आपके पास जो भी है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट कैप में डेन नेटवर्क पकड़ेगा, तो हाथवे भी, हाथवे केबल का जो मार्केट कैप है वो भी तो बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो डेन नेटवर्क है वो यहाँ पर 4,000 करोड़ की कंपनी बनती है, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो दुगना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 86 रुपीज़ के आसपास का जो शेयर प्राइस है वो पहुँच जाएगा। और 8,000 करोड़ की अगर मार्केट कैप वाली कंपनी बनती है हाथवे, तो यहाँ से 46 रुपीज़ का जो है शेयर जो है हाथवे केबल का होगा। लेकिन मैं बता दूँ कि इसकी जो अर्निंग है वो डेन नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हाथवे केबल की। तो ध्यान रखिए, अर्निंग में हाथवे केबल अच्छा है डेन नेटवर्क के कंपेरिजन, लेकिन फंडामेंटली जो अगर आप बात करें सस्ते वस्ते की, तो थोड़ा सस्ता है हाथवे केबल से डेन नेटवर्क। तो लेकिन मैं प्रेफर अगर करूँगा अपनी तरफ से, तो हाथवे केबल के लिए करूँगा। डेन नेटवर्क में कोई बुराई की बात नहीं, बिल्कुल बुराई की बात नहीं है, दोनों का एक ही काम है, दोनों एक साथ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और अब आ चुकी है ये टाइम चलने का। तो आपने देख ली होगी पूरी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खास थी, ये ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। और ब्लूमबर्ग ने ये नंबर निकाले थे, तो आप याद रखिएगा कि नंबर अब बढ़ने लगे हैं सब्सक्राइबर के जियो टीवी के, और यहाँ से जो है मोमेंटम जो है वो स्टॉक गेन कर सकता है इसके चलते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और इसमें आपकी पोजीशन है तो रखिएगा। नई पोजीशन, हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन 20 रुपये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है हाथवे केबल। डेन नेटवर्क का मैंने अभी चेक नहीं किया है दोस्तों, डेन नेटवर्क मेरे ख्याल से लेवल 38 के आसपास का जो है वो लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, मुझे जहाँ तक अपना याद है 38 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ डेन नेटवर्क के लिए। हाथवे के लिए 20 रुपये का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप नई पोजीशन ले सकते हैं। पुरानी जो पोजीशन वो आप होल्ड करिएगा, नई पोजीशन में आप स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से जो है लेकर चल सकते हैं। मैंने आपको लेवल इंपॉर्टेंट बता दिए, और अपने एडवाइज़र से बात करिएगा, आप अपने हिसाब से पोजीशन लीजिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो